नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। यूं तो मैंने लाखों मोहिनी मंत्र आपको बताए हैं, जिनमें से ऐसा कोई मंत्र नहीं है जो काम ना करता हो, लेकिन आज मैं कुछ ऐसे गिने चुने मोहिनी मंत्र आपको बताऊंगा जिनको बताना वर्जित था, लेकिन फिर भी भाववश मैंने वो YouTube पे बता दिए हैं और उनका परिणाम इतना जबरदस्त है कि पहले ही दिन से असर करना शुरू कर देते हैं। जो मैं आपको पहले मंत्र बता चुका हूं वो है काला कलवा 64 वीर, दूसरा है मसान का, तीसरा है क्लेम कृष्णाय नमः, और भी जो मुझे टिप्स पर हैं वो ये हैं, बाकी भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये तीन मंत्र ऐसे हैं कि आंख मूंद कर लगा दीजिए, लग जाएंगे। उसके बाद बात आती है क्या कोई ऐसा मोहिनी मंत्र भी है जिससे कि सिर्फ व्यक्ति का स्मरण किया जाए और दूर बैठे आप उसको मोहित कर सकें, या फिर क्या कोई ऐसा भी मोहिनी मंत्र होता है जिसको कि किसी खाने पीने की चीज में पढ़ दिया जाए और जो भी आपका साध्य व्यक्ति है वो आपके वशीभूत हो जाए, या कोई ऐसा मोहिनी मंत्र भी है जिससे कि कोई मिस्टिकल डायग्राम हो उसको जलाकर, जिस तरह के हम आतिश यंत्र बनाते हैं उसको जलाकर आपका साध्य व्यक्ति आपके वश में हो जाए। तो ये सारे मोहिनी मंत्र मैं आपको दे चुका हूं, लेकिन आज जो मैं मोहिनी मंत्र बताने वाला हूं उसको कहते हैं असली मोहिनी मंत्र, अर्थात इस धरा पर इस मंत्र का काट नहीं है। जिस पर यह लगा दिया जाए समझो वो आपका गुलाम बनकर रहेगा। मैं देखता हूं रिश्तों में जो है वो मनमुटाव आ जाता है, पत्नी पति की नहीं सुनती, पति पत्नी से झगड़ा करता है, तो ऐसे में आपको कुछ ऐसी सहायता चाहिए, कुछ ऐसा चाहिए जो कि आपकी हेल्प कर सके उस समय। तो प्राचीन काल से ही हमारे ऋषियों ने लाखों वर्षों के तप के बाद हमें कुछ ऐसे वरदान दिए जिनमें से मोहिनी मंत्र भी आता है, और ये बातें कुछ ऐसी हैं जिसको आज की पीढ़ी नहीं समझ पाएगी। इन सारे मंत्रों का मैं संग्रह कर रहा हूं ताकि जिस तरह से हम अपनी संस्कृति को खोते जा रहे हैं उस तरह से वे मंत्र ना खो दें। ये मंत्र एक ऐसी पूंजी है जिसको हमें सहेज कर रखना चाहिए। तो जो भी मोहिनी मंत्र पर मास्टरी करना चाहता है, जो चाहता है कि मोहिनी मंत्र उसकी टिप्स पर हो, तो सबसे पहले आपको कालिया मसान करना पड़ेगा। कालिया मसान की सिद्धि लीजिए तो आपके पास काला कलवा आ जाएगा। जब काला कलवा की आपके पास सिद्धि होगी तो आपके 50% काम तो वही कर दिया करेगा। कालिया मसान को सिद्ध कीजिए, पूरी इसकी जानकारी लीजिए, उसके बाद ही शुरू कीजिएगा। ऐसी मेरी बातें सुन के अगर शुरू कर दिया तो इसके नुकसान भी हो सकते हैं, तो शुरू से शुरू कीजिएगा तो काफ़ी दूर तक जाएंगे। सबसे पहले तो मेरे ये मंत्र कंठस्थ कर लीजिए, काला कलवा 64 वीर, मेरा कलवा भागा तीर, जहां को भेजू वहां को जावे, मांस मुझे को छोकी आवे, अपना मारा आप ही कावे, चलत वान मारू वहीं की छाती, इतना मेरा काम ना करे तो तुझे तेरी माँ का दूध हराम। और इसके बाद कहिए जो भी फला व्यक्ति है जिसको भी आप आकर्षित करना चाहें, चाहे वो आपकी पत्नी हो, पति हो, बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, किसी को भी अपने अधीन कर सकते हैं इस मोहिनी मंत्र से।
ऐसा क्यों है कि कुछ लोग कहते हैं कि गुरुजी उसको मुझसे दूर कीजिए, वो बहुत पास आ रहे हैं, और कुछ कहते हैं कि हमारा तो काम ही नहीं बन रहा। तो इस पर बहुत बड़ा रिसर्च हुआ और हमारी टीम ने ये देखा कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो किताबी ज्ञान लेकर अपने आप को विद्वान समझने लग जाते हैं, उनके लिए ये चीज़ें काम नहीं करती हैं, क्योंकि उनका जो मस्तिष्क है उसको सिखा दिया जाता है कि तर्क कैसे करना है। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपकी भावनाएं देखी जाती हैं। अपने भाव जो हैं वो पवित्र रखिए, संपूर्ण समर्पण देना पड़ता है। एक पागलपन सा जब तक नहीं आएगा कि मैंने मोहिनी मंत्र किया है वो काम करेगा, तब तक ये चीज़ें काम नहीं करेंगी। आपको अपने आप को ये समझाना होगा कि ये जो मंत्र है ये काम करेगा, और इतना प्रबल होना चाहिए ये विचार कि पहाड़ तोड़ दे, दुनिया इधर से इधर हो जाए, लेकिन आप ना उठे। जिस तरह से आप अगर साधना कर रहे हैं और बीच में शेर आ जाए तो मोस्टली लोग क्या करेंगे, उठ के भाग जाएंगे। लेकिन जो पंडित होगा, जो तांत्रिक होगा, वो अपने जो प्राण हैं उनकी चिंता नहीं करेगा, वो अपने मंत्र की चिंता करेगा कि मेरी साधना ना टूट जाए। तो कई बार ऐसा होता है कि वो जो शेर होता है वो आपकी परीक्षा लेने के लिए शक्तियां आती हैं। आप 20 दिन से मंत्र कर रहे हैं और बीच में ही कोई ऐसा काम आ जाए कि आपको बाहर जाना पड़ जाए, तो ऐसे में क्या करेंगे आप? बाहर जाएंगे, अपने मंत्र करेंगे? तो मोस्टली जो लोग होते हैं वो बाहर जाना चुनते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आपने संकल्प ले लिया है कि मैं 30 दिन तक, 31 दिन तक, 41 दिन तक, 101 दिन या फिर 1 साल, 20 साल तक इस मंत्र का जाप करूंगा, तो संकल्प को तोड़ना नहीं चाहिए। इसलिए संकल्प होते हैं ताकि आपकी ऊर्जा एक निश्चित समय पे एक ही जगह पे लगे। और ऐसा अगर आप प्रत्येक दिन करते हैं तो कुछ ऐसा घटित होता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होती। मैंने लाखों लोगों को मंत्र दिए हैं और उनके आधार पर मैं आपको यह समझा रहा हूं। एक मेरी क्लाइंट थी इंडोनेशिया से, तो जब वो मंत्र करती थी तो उसके घर के बर्तन गिर जाया करते थे। ये मुझे भी बहुत विचित्र लगा, लेकिन बहुत सारा रिसर्च हुआ, उसके बाद पता लगा कि ये उसी की शक्तियां थी जो उस समय पर काम कर रही थी। कोई ऐसा भूत प्रेत वाला चक्कर नहीं था। वो अपने शरीर को छोड़कर बाहर जाती थी और उसका जो सूक्ष्म शरीर है वो उस समय पर काम करता था। तो ऐसे भी कई चमत्कार हुए हैं। तो सबसे पहली बात जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो ये है कि या तो मोहिनी मंत्र करिए ही मत, लेकिन अगर करना है तो इसमें रम जाइए। जिस तरह से पानी और दूध का मेल आप बता नहीं सकते कि इसमें कितना पानी है, उसी तरह से आपको बस रम जाना है मोहिनी मंत्र में। इसके बाद जो नज़ारे हैं, जो आपके सामने स्मृतियां आएंगी, वो इस लोक की नहीं होंगी, वो अलौकिक होंगी। और आपको इतना सुकून मिलेगा, इतना आनंद आएगा इसमें कि धरती का कोई भी सुख इसके समान नहीं होगा। आपको लगेगा कि कोई आपके साथ है जो आपके लिए ये सारे काम कर रहा है, और इसका अनुभव करना ही एक तांत्रिक की परम सिद्धि है। तांत्रिक वो नहीं होता जो कि तंत्र से, अपने मायाजाल से इस प्रकृति में परिवर्तन कर दे। तांत्रिक वो होता है जो किसी दूसरे के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दे। लेकिन आजकल ऐसे तांत्रिक बहुत कम मिलेंगे जो किसी दूसरे की सहायता के लिए अपना जीवन खराब कर ले। साधना के क्षेत्र में बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं, और उन उतार चढ़ावों को अगर आप सहन कर लेते हैं दुनिया की परवाह ना करते हुए, सिर्फ अपनी साधना में ध्यान लगाते हैं,
तो मेरा यकीन मानिए, आप कोई भी मंत्र सिद्ध कर सकते हैं। सबसे पहले तो एक नियम बनाइएगा, 20 मिनट आप ध्यान कर सके रोज। अगर 20 मिनट ना हो तो 10 मिनट करें, 10 मिनट ना हो तो 5 मिनट करें, 5 मिनट ना हो तो 1 मिनट के लिए आंख बंद करके बस बैठ जाइए। ऐसे करते करते धीरे 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 आप आधे घंटे तक पहुंच जाएंगे, और आपका लक्ष्य होना चाहिए 3 घंटे। 3 घंटे एक ही स्थान पर बिना कोई विचार के बस बैठे रहिए। एक ऐसी साधना जिसमें कि आप अपने आप को खोजेंगे। महीने तक ये करके देख लीजिए, इसके बाद देखिएगा किस तरह के परिवर्तन आपके जीवन में आते हैं। ये जो दुनिया है ये सिर्फ आपके विचारों से बनी हुई है। आप भीतर जैसा सोचते हैं बाहर भी सब कुछ वैसा ही दिखता है। आपके मन में जैसे विचार उत्पन्न होते हैं ये दुनिया भी बिल्कुल वैसे ही बन जाती है। आपके विचार जो हैं, आप क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, क्या देखते हैं, क्या खाते हैं, इन सब चीजों का आप पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो एक साधक की जिंदगी में लोग क्या कहते हैं, लोग क्या कहेंगे, ये सारी चीजें नहीं आनी चाहिए। आपने किस तरह के कपड़े पहने हैं, लोग इस पर क्या टिप्पणी करेंगे, मैं आज अच्छा लग रहा हूं या नहीं, ये सारी चीजें आपको नहीं देखनी चाहिए। आपको बस अपनी साधना में लीन रहना है। और एक समय ऐसा आएगा जब आप अगर पहाड़ को कह देंगे कि अपना रास्ता छोड़ दे तो वो पहाड़ भी वहां से हट जाएगा। मोहिनी मंत्रों में इतनी शक्ति होती है कि मैं इसका व्याख्यान अपने शब्दों में नहीं कर सकता, लेकिन जिसके पास होती है उसके लिए जीवन कठपुतलियों वाला होता है कि आप किसी से भी कोई भी अपना मनचाहा काम करा सकते हैं। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि सिर्फ आप एक बार सोच लें कि ऐसा होना चाहिए तो मोहिनी अपने आप आपकी सोच के अनुसार काम कर देती है। तो आज का मोहिनी मंत्र है, काला कलवा काली रात, मैं जगावा आधी रात, सुत्ते को जगा के बैठी को उठा के मेरे पास ले आना, चले मंत्र फूरे ईश्वरो वाचा, दिखा कलवा तेरे मंत्र का तमाशा। आपको क्या करना है कि 41 दिन तक रात के 12:30 बजे के बाद या 12 बजे ये साधना प्रारंभ कर देनी है। एक कलवा मसान की साधना है, डरिएगा नहीं और इस साधना को प्रारंभ कीजिए। शुक्रवार से शुरू कीजिएगा, शुक्रवार है, देवी का दिन है, तो आप शुरू कर सकते हैं। 41 दिन तक बिना डरे इस मंत्र की 11 माला जाप कीजिए। 41वें दिन मुझे कॉल करना, फिर मैं आपको बताऊंगा आगे क्या करना है। उससे पहले पहले ही आपको कुछ ऐसे अनुभव हो जाएंगे जिससे कि ये जो धरा है इसमें कितनी सुगंध है, कितने प्राणी हैं, जो आपने देखे थे जो आपने नहीं देखे थे वो भी दिखने शुरू हो जाएंगे। किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं, 999-284-1625। व्हाट्सएप कीजिएगा क्योंकि सेकंड्स के हिसाब से फोन आ रहे हैं, आप व्हाट्सएप कीजिए तभी मैं उसका आंसर दे पाऊंगा। धन्यवाद।